निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट ने अपना क्लोज दिया है 22,507 पे, जो कल के क्लोज से लगभग फिर भी 27 पॉइंट मार्केट ऊपर जाके ही बंद हुआ है, जहां पर हमने देखा कि निफ्टी में थोड़ा सा हमने नीचे देखा है, पर मार्केट आज बैंक निफ्टी में हमने नीचे देखा है, पर निफ्टी फाइनली कल के क्लोज के ऊपर ही क्लोज दे रहा है। कुल मिलाकर मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ, मार्केट लगातार अपने अप ट्रेंड में चल रहा है और मार्केट उस रेंज पे है 22,507। 22,507 अपने आप में साइकोलॉजी एक रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है। अगर ध्यान से देखा जाएगा तो मार्केट ने आज यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस काम किया, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर गया था। देखा जाएगा तो मार्केट आज 22,600 के पास गया था और यहाँ से भी मार्केट को हमने दोबारा नीचे आते हुए देखा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट आज गैप डाउन खुलने के बावजूद भी मार्केट को आपने इस तरीके से आज देखा है कि मार्केट एक बहुत बड़ा जो एक टाइम फ्रेम है मार्केट उसके हिसाब से मार्केट में आज बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। मार्केट पिछले 3 दिन या 4 दिन, खासकर हम देखेंगे तो मार्केट 3 दिन के एक कंसोलिडेशन फेज में है। इस 3 कैंडल को देखिए तो मार्केट इस 3 कैंडल के अंदर ही महदूद है, इसी के अंदर ही मार्केट घूम रहा है। लेकिन पूरे प्राइस एक्शन को अगर हम यहाँ पे अपने काबू में लाए तो हम पाएंगे कि मार्केट लगातार यहाँ पे हाई लगाते जा रहा है और मार्केट का जो अगला जो एक स्ट्रॉन्ग हमारा स्टॉपेज जो दिखता है, जो सेलिंग पॉइंट है, वो मार्केट का होगा 22,800। तो मार्केट 22,800 के पास से हमें एक बार वहाँ से वापसी करता हुआ दिख सकता है। आज के दिन के पूरे दिन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मार्केट एक बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ इस रेंज के साथ जा रहा है और मार्केट 500 को जब तक अभी क्रॉस नहीं करेगा। देखिए कल भी हमने यही देखा था कि मार्केट 500 को क्रॉस नहीं किया था, अगर आपको याद होगा तो मार्केट ने शनिवार को 500 को क्रॉस नहीं किया था, पर आज 500 को क्रॉस करके मार्केट ने अपना क्लोज दिया है, जो एक बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात, मार्केट में हम एक बड़े गैप अप की उम्मीद में हैं और आज से नहीं है, हम पूरे मई महीने के शुरुआत से बड़े गैप के उम्मीद में है। पूरा मई महीना लगभग निकलते जा रहा है, एक भी दिन बड़ा गैप अप, यह बड़े गैप अप से मेरा आशय है लगभग 200 पॉइंट, कम से कम 150-200 पॉइंट अगर निफ्टी में हम बड़ा गैप अप देखेंगे तो ये चीज़ मार्केट में तय हो जाएगा कि मार्केट बहुत जल्दी 22,800 के रेंज को भी क्रॉस कर देगा। फिलहाल हमारे सामने एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट यही रेंज बना हुआ है कि मार्केट किस तरीके से आपको एक रेंज दिखा रहा है। मार्केट एक 22,800 के पास पहुंचने के लिए समय ले रहा है। हो सकता है 1-2 दिन के लिए मार्केट आपको यहाँ से थोड़ा और नीचे भी जाते हुए दिखे, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। उसका कारण है 22,500 के ऊपर मार्केट का क्लोज होना। अगर किसी कारण से हम देखते भी है कि मार्केट में अगर हमको सेलिंग देखना है तो उसके लिए मार्केट को इस रेंज को, ये जो 3 दिन का या 4 दिन का जो मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ था, कौन सा, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं इसका जो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया था और बाकी ये 3 दिन का जो मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 22,400 का। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट में अगर हमें डाउन ट्रेंड अगर देखना है तो मार्केट 22,400 के नीचे जब मार्केट डे वाइज क्लोज होगा, ऐसा नहीं कि मार्केट दिन में खुला और मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट नीचे गया और फिर आपने पुट ले लिया, ऐसा काम नहीं बनेगा। मार्केट यहाँ से फिर से बुलिश हो जाएगा, हम यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं, जैसे कि ये सैटरडे को हुआ था। देखिए सैटरडे को मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट को बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला, अगले ही मिनट में मार्केट ऊपर चला गया। इसके ऊपर हमने पूरे डिटेल में हमने बात किया था, शनिवार को भी बात किया था हमने इस बारे में, रविवार को भी इसके बारे में बात किया था। अब मार्केट इसके नीचे कब आएगा, मार्केट में बेयरिश मोमेंटम आएगा जब मार्केट 22,400 के नीचे डे वाइज क्लोज देना शुरू करेगा और उसके बाद मार्केट का जो अंतिम जो छोर होगा वो होगा 22,000 का। सीधा सीधा ये हिसाब है, मतलब मार्केट 400 पॉइंट के करेक्शन हो सकता है जब मार्केट 22,400 के नीचे क्लोज देना शुरू करेगा। देखिए मार्केट एक ऐसे स्थिति में पहुंचा है, अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे या मैं अगर कहूं तो इस जो चैनल है, मार्केट इस चैनल के भीतर है, ये चैनल है, मार्केट इस चैनल के बीच में कहीं अभी फंसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ऐसे जगह पे है कि मार्केट यहाँ से कहीं पे भी जा सकता है। दूसरी बात, मार्केट में अगर हम इलेक्शन को लेके अगर बात करेंगे तो मार्केट में, मार्केट की सोच फिलहाल कैसा है कि
मार्केट उसी तरीके से चल रहा है या मार्केट में अभी और बाइंग आना बाकी है। अगर बाइंग आता है तो मार्केट पूरी तरीके से ये जो रेंज आप देखते जा रहे हैं ना, ये सब रेंज बहुत आगे तक निकल जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ये सब रेंज बहुत आगे तक निकलेगा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 23,200, 23,400, हो सकता है 23,600 के पार मार्केट निकल जाए अगर मार्केट में बाइंग। लेकिन ये कब आएगा, ये भी समझने वाली बात है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये 4 जून पे ही आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है मार्केट आपको 27, 28, 29 तारीख तक भी मार्केट आपको धीरे धीरे करके उस रेंज से मार्केट आपको बहुत बड़ा बड़ा एक एक अप ट्रेंड में बड़े गैप अप के साथ मार्केट ले जाए और बड़े बड़े कैंडल आपको क्रिएट करके दे। ये 27-28 तारीख से आप देख सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मार्केट को आप पूरी तरीके से अपने हिसाब से मत सोचिएगा। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें हमारे नज़र में तो ज़रूर आई है, उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मार्केट का जो एक कंसोलिडेशन फेस था, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बार बार मैं आपसे एक ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा था और फाइनली मार्केट उस ट्रेंड लाइन को पार तो किया था, लेकिन मार्केट में उस ट्रेंड लाइन को बहुत ज़्यादा रिजेक्ट नहीं कर पाया। वो ट्रेंड लाइन ये वाला ट्रेंड लाइन था। देखिए, ट्रेंड लाइन क्यों बनाया जाता है, इसी की वजह से ट्रेंड लाइन बनाया जाता है। देखिए, मार्केट ने आज भी इस ट्रेंड लाइन को इज्जत दिया है। क्यों आज बाइंग आते आते रह गया, 22,600 के बाद मार्केट क्यों वहां से गिरा, उसका जवाब ये ट्रेंड लाइन है। इसलिए कहते हैं कि जब आप इंट्राडे में आते हैं तो कृपया करके आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, अभी तक अगर शुरू नहीं किया तो शुरू कर दीजिए। इससे क्या होता है, इससे आपके बहुत पैसे बचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 18 तारीख को अगर ट्रेड किया होगा, ये 18 तारीख का शनिवार का है, ठीक है, मार्केट आज शुरू होता है गैप डाउन, धीरे 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 करके मार्केट पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेड करने लगता है। अब यहाँ पे आपकी सोच क्या बनती है, अरे वाह 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 वाह, 500 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, अब कॉल लेके बैठे रहो। क्या हुआ, मार्केट 12-1 बजे तक मार्केट ने अपना हाई लगाया और वहाँ से मार्केट दोबारा फिर से 500 के ऊपर जाके बंद हो गया। क्यों, क्योंकि मार्केट ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो मार्केट को मिल गया, इसके लिए मार्केट उसी के ऊपर ठहर गया। लेकिन जो लोग अभी 600 के पास बैठे थे, जिनको लग रहा था कि मार्केट तो आज 22,600, 700, 800 क्यों ना आज मार्केट दे दे, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। मतलब आपने जिस जगह से आज ट्रेड लिया होगा, सोचा पिछले दिन के हाई के ऊपर मार्केट एक बार पहुंच जाए, हम तुरंत कॉल ले लेंगे, तो उनका क्या हुआ, आज उनका एसएल हिट हुआ है। तो इसलिए ये ट्रेंड लाइन बड़ा ज़रूरी है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए, 600 के प्लान को भी मार्केट ने छू लिया है। अब मैं कल की अगर बात करूँ, इस ट्रेंड लाइन के मुतल्लिक अगर मैं बात करूँ, तो कल जब मार्केट धीरे 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 आएगा और इस ट्रेंड लाइन को अब छूने जाएगा, अब 600 रहेगा क्या, 600 का हाई मार्केट रेंज रखेगा कि नहीं। मार्केट पिछले हाई तो एक मैटर करेगा, उससे बड़ा मैटर करेगा ये ट्रेंड लाइन। और इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं देखूं तो मार्केट 12:30 से पहले, 12:30 से पहले कितना जाएगा, ये है मार्केट का रेंज 22,637। ये 12 बजे से पहले तक अगर मार्केट इस रेंज को छू लेता है तो बहुत संभावना रहेगी, जैसे आज हुआ, कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से वापस आ जाए। तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा, या आप ऐसे काम कर सकते हैं कि मार्केट अगर मान लीजिए कल फिर से अगर गैप डाउन होता है धीरे 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 करके पिछले दिन के यहां तक अगर पहुंच जाता है, तो फिर यहां पे थोड़ा सा नजर बनाए रखिए इस ट्रेंड लाइन के पास। अगर मार्केट वापस आने की कोशिश कर रहा है तो फिर शांत बैठिए। शांत क्यों बैठना है, यहाँ पे पुट लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। पुट एक ही हालत में लिया जा सकता है, जब मार्केट 400 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, जब डे टाइम फ्रेम पे। ये बिल्कुल भी इंट्राडे में करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। अगर मार्केट नीचे आना रहेगा तो मार्केट नीचे आते आते फिर मार्केट बुलिश हो जाएगा, जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। तो मार्केट अगर किसी कारण से अगर कल फिर से गैप डाउन हुआ, फिर से ओपन होता है जैसा आज हुआ, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर दे, पहला 2 कैंडल अगर इसके ऊपर बन जाए, खासकर मार्केट 10 बजे से पहले अगर इस रेंज के पास पहुंच जाएगा, तब तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहां से मार्केट के लिए एक रास्ता साफ हो जाएगा और कम से कम 150 पॉइंट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो मार्केट को 22,800 के पास बहुत ईजिली लेके जाएगा। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
और मार्केट का अगर आज के हाई और लो की मैं बात करूँ, वो तो हाई आप देख ही रहे हैं, साथ में इसके लो को भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं। ये रहा मार्केट का लो, तो देखिए मार्केट का लो भी 400 का है, मतलब ये 3 दिन का है। कब का? 17 तारीख, 18 तारीख और 21 तारीख, 17, 18, 21, ये तीनों दिन के लो के नीचे एसएल रखा हुआ है बायर्स का। तो यहाँ से नीचे जब मार्केट जाएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा पुट लेने की एंट्री। उससे पहले इतने रेंज के अंदर, मतलब 637, 22,637 से 22,400 के बीच में कहीं पे भी आप यहाँ पे पुट नहीं ले सकते हैं, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये इस बात को आप याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पे मार्केट अगर जाता है तो स्कैल्पिंग किया जा सकता है इंट्राडे में, अगर आपको करना ही है। मान लीजिए कल मार्केट नीचे भी आता है और 400 के नीचे चला जाता है, तो स्कैल्प किया जा सकता है, मतलब बहुत कम वक्त के लिए छोटे क्वांटिटी के साथ आप स्कैल्प कर सकते हैं। पर स्कैल्पिंग का मतलब होता है बड़े क्वांटिटी, तो बेहतर होगा कि, और ये बड़े निपुण लोग कर सकते हैं जिनका अनुभव होता है, तो बेहतर होगा कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहे तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस बीच में अगर मार्केट रहता है तो क्या करना है, मतलब 400 और 625 या 630, इस दौरान मार्केट अगर रहेगा तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया जा सकता है। पर अगर आपको कॉल लेना ही है तो 500 के ऊपर ही लीजिएगा, जब तक मार्केट 500 के ऊपर ना पहुंच जाए, क्योंकि मार्केट अगर उसके नीचे रहेगा ना 400 और 500 के बीच में, हो सकता है मार्केट बहुत धीरे 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 कंसोलिडेट करे, तो 500 के ऊपर जाएगा तो मार्केट को एक बूस्ट मिलेगा, वो बूस्ट मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और फिर आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।